हाथ जोड़ के कहते हैं मोदी जी, दो बार तो ट्यूटर ट्रेनिंग सब लड़का ने कर दिया, ठीक ना। और रुको जरा, सबर करो। टोकरी के भरती निकाली मोदी चाचा डेरे लईका बाड़े। आप दोनों आदमी से एक बार फिर से हम लोग सभी शिक्षक हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप सब वैकेंसी निकालिए, सारा लड़का पढ़ते पढ़ते बूढ़ा बेरोजगार आप बुढ़ाते जा रहा है, ठीक ना। अब आप नहीं खुद को आजमाते आजमाते बदल गई है जिंदगी। सूरज से पहले खुद को जगाते जगाते बदल गई है जिंदगी। खुद को आजमाते आजमाते बदल गई है जिंदगी। सूरज से पहले खुद को जगाते जगाते बदल गई है जिंदगी। जुनून की आग में जलाते जलाते बदल गई है जिंदगी। लोग कहने लगे क्यों बर्बाद कर रहा है जिंदगी, तो मैंने भी कहा कि लो देखो पसीना बहाते बहाते बदल गई है जिंदगी। पसीना बहाते बहाते बदल गई है जिंदगी। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं उपेंद्र कुमार आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ परागण। जैसे कि परागण वही समझ सकते हैं जो इसके पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे पुष्प वाला, क्योंकि पुष्प से ही रिलेटेड ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो पुष्प का वीडियो पहले देख लीजिएगा, उससे उसके बाद ही इसको देखिएगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं एक बात बताता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहना तो कोई तो कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। ध्यान से एक बार देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का, खाली रटने का और लिखने का नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जाने का। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप परागण का मतलब समझिए कि परागण का मतलब होता क्या है। तो परागण का मतलब सबसे पहले बड़ी इत्मीनान से समझिएगा कि मैंने समझाया था एक पुष्प के माध्यम से कि बताइए इसको क्या कहते हैं। तो इसे तो मैंने बताया था कि परागकोष बोलते हैं। तो ये हो गया परागकोष। अब परागकोष के अंदरवे तो रहता है परागकण, समझाया था ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें परागकण होता है, यही परागकणवा जब किसी न किसी माध्यम से यहाँ पे चल जाता है, इसके वर्तिकाग्र के पास चल जाता है, तो यहाँ पराग कोष से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने के प्रक्रिया को ही परागकण कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ से निकलकर यहाँ तक कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? तो समझ लीजिए उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम होता है। तो देखिए पहले परागण, परागण हम लिख दिए हैं कि परागकण का पराग कोष से निकलकर, ये पराग कोष हो गया, पराग कोष के अंदर वा परागकण हो गया, यही निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने के प्रक्रिया, जाने के प्रक्रिया को परागकण कहते हैं, सॉरी परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। इतना समझ गए? समझिएगा, परागण दो प्रकार का होता है, किताब में देने के लिए तीन प्रकार का भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार से पढ़ना है हम लोगों को। एक पढ़ना है स्व परागण, दूसरा पढ़ना है परपरागण। तो स्व परागण, स्व यानी सेल्फ, पर यानी क्रॉस यानी कि दूसरे से, हम लिखे हैं कि स्व परागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब क्या होता है? परागण होता है, इसका इंग्लिश है। पर परागण, पर परागण इनकी क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, हम लिखाए हैं स्व परागण। तो स्व परागण क्या होता है? जो खुद से ही परागण करते हैं, जो खुद से ही परागण कर लेते हैं। देखिए इस धरती पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर जीव क्या करता है, इस पर्यावरण से जूझता है, लड़ता है, ठीक ना, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मनुष्य भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये फूल फल कीट मकोड़े ये क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सबका आधार अपना अलग अलग होता है ना। देखिए यहाँ पे
जो खुद से खुद में ही कर ले। देखिए अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए कि यहाँ पर कौन पुष्प है, यहाँ पे कौन पुष्प है, नहीं इससे मत समझिए, एक हम पुष्प बना देते हैं, देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक पुष्प है। तो स्वपरागण कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक ही पुष्प का एक पार्ट है, तो यहाँ पर एक पुष्प है तो इसमें भी वर्तिकाग्र पाया जाता होगा, और यहाँ पर एक पुष्प है तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक वर्तिकाग्र पाया जाता होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो परागकण निकलते हैं किसी न किसी माध्यम से इसी पुष्प के दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, इसी पौधे के दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, यानी एक ही पौधा है, हेन्ने से निकलल है पुष्प, हेन्ने से निकलल है पुष्प, अगर यही पौधा का निकला हुआ पुष्प है, यहाँ पे जो परागकण निकला हुआ है तो इसी परागकण का उठाए कौन यही पौधा के दूसरे पुष्प में लेकर के चले जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। क्लियर हो गया, स्वपरागण कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये स्वपरागण हो गया जो खुद से करता है, इसी में से इसी में आता है तो स्वपरागण हो जाता है, और वहीं दूसरे से जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे पौधा हो गया, एक यहाँ पे पौधा हो गया, तो हेमे के परागकण निकल करके किसी न किसी माध्यम के सहारे हेमे चला आए, तो क्या होगा ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी इसमें से किसी न किसी माध्यम से इसमें चला आता है तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओके, तो ये क्रॉस पोलिनेशन एक हो गया, सेल्फ पोलिनेशन जो खुद से खुद ही में कर लेता है, जवन खुद से खुद में ही कर लेता है उसे स्वपरागण कहते हैं, और जो खुद से खुद में नहीं करता है उसके लिए दूसरे पौधे के पुष्प को पुष्प के वर्तिकाग्र से उसमें सॉरी परागकण को लेकर के इसमें आना होता है, तब जाकर के वो क्या होता है परागण होता है। यानी एक थेट भाषा में समझिएगा कि मान लीजिए कि हम लोग बिहार वाले हैं, ठीक ना, तो बिहार वाले अगर बिहार में बिहार वाला कोई लड़का है, बिहार के ही कोनो लड़की से शादी कर लेता है, ठीक ना, तो ओकरा के स्वपरागण कहिए, ठीक ना, यानी कि बिहार में ही हुआ है। अगर बिहार वाला जाके झारखंड में से कोनो लड़की से शादी कर लेता है तो समझ लीजिए क्रॉस हो गया, उसको दूसरा स्टेट का चुनाव करना पड़ा है, ये दुगो हो गया, ठीक ना, एक एक स्टेट में हो रहा है तो कौन सी हो गया, वो सेल्फ पोलिनेशन हो गया, और दूसरा स्टेट से उठा के ला रहा है, ठीक ना, बरात लेके जाएगा, उठा के लेके आएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वपरागण हो जाएगा कौन, जो बिहार वाला बिहार में ही करता है कौन लड़की से, पर परागण हो जाएगा जो बिहार वाला जाकर के झारखंड वाला से किसी से करता है, ठीक ना, तो ये पर परागण हो गया, हमने लिखा है यहाँ पे कि अलग अलग पुष्पों से होता है, ठीक ना। अब देखते हैं कि कुछ माध्यम क्या क्या होता है, ये परागण में माध्यम होता है, वो माध्यम कौन कौन सा हो सकता है, माध्यम कीट भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, वायु परागण भी हो सकता है, जंतु परागण भी हो सकता है, और जल परागण भी हो सकता है। यहाँ पर कीट परागण जो कीड़े मकोड़े से होता है, एंटोमोफिली कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक ना, कहीं कहीं पे इंग्लिश की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना, तो एंटोमोफिली कह देंगे जो कीटों से होगा, और पक्षियों से होगा, पक्षियों से जो परागण होता है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, अरे भाई ये कीट से कैसे होगा, कीट से परागण कैसे होता है, तो कीट से परागण कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि राति के हम देखते हैं कितना लाइट पर कीड़ा मकोड़ा उड़ते रहता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है, ईमानदारी से बोलिए, देखें हैं कि नहीं देखें, देखें हैं ना, तो देखिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, अगर इस पराग कोण पर पराग कोष के पराग कोण पर बैठ गए और ओकरा पैरवा में कोनो एगो पराग कोण चिपक गया, ठीक ना, ओकरा पैर में कोनो पराग कोण चिपक गया, वो कहाँ जानती है कि बेचारी हम बैठ कहाँ रहे हैं, ठीक ना, उसको कहाँ पता है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं। अब मान लीजिए पराग कोण के ले करके उड़ा करके बेचारा यहीं पे चला आया कोनो कीड़े मकोड़ा वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र पर क्या होता है,
एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसे सेलुलोज कहते हैं। यही सेलुलोज क्या करता है, अपने आप में उसको चिपका लेता है, जौन पराग कण आता है ना ओकरे के चिपका लेता है, और उसको पराग नलिका के माध्यम से क्या करता है, अंदर अंडाशय में भेज देता है। क्लियर हो गया? देखिए तो क्या समझे, ये सब माध्यम का ही काम करते हैं। कीट भी वही काम कर सकता है। मान लो कि कोनो पक्षी ना बैठती है जी, पक्षी बैठती है ना, पक्षी के देखिएगा कि फूल पर बैठ, कहीं पर बैठ जाएगी, ओकरा का पता है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं पक्षी को, तो पक्षी हो जाएगा उसको ऑर्निथोलॉज ऑर्निथोफिली कह देते हैं, ठीक ना। अगर पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है तो वो परागण को ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। अब वहीं हवा के द्वारा, हवा के द्वारा कैसे होता है परागण, देखिए इसमें दो तरह से परागण होता है। एक परागण हो जाएगा कि मान लीजिए कि हवा बहता है, अगर मान लीजिए कि कोनो ऊपर फूल है कोनो नीचे है, तो झड़ सकता है बीज कहीं उसके ऊपर से झड़ के ही आ नीचे आ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, ठीक ना, तो कोनो बर्ती कागरे में घुस गया, ठीक ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है परागण होता है। लेकिन सबसे फेमस परागण होता है वायु परागण। देखिए तो हम यही बता रहे थे हवा के द्वारा, तो हवा के द्वारा एक सबसे फेमस परागण जो होता है ना, आप सब ने देखा होगा गेहूं का खेती, ठीक ना, गेहूं है, सरसों है, और उस टाइप का अनेकों बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक ना, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप गेहूं को ध्यान रखो, बात काम बात वही काम हो जाएगा, ठीक ना। गेहूं देखते हैं कि गेहूं परागण कैसे करता है, ठीक ना, वो देखिएगा कि जहाँ पे तनिसा निकल गया ना, तो ई जाके में सटेगा, ई जाके हई में सटेगा, ऐसे झूलते रहेगा हवा से हवा से। अब मान लीजिए हवा ना बहेगा तो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा एकदम, ठीक ना, और हवा बहता है एक दूसरे में टच करते रहता है, टच करते रहता है, टच करते रहता है, ठीक ना, और उतना ही में क्या हो जाता है, उतना ही में परागण संपन्न हो जाता है। समझ गए ना? तो ये हो गया आपका वायु परागण। जंतु परागण, ठीक ना। अब जंतु परागण में हो जाएगा, देखिएगा जंतु परागण में मान लीजिए कि सबसे अगर अच्छा एक परागण देखा जाए कि जो सबसे बड़ा पुष्प होता है, ठीक ना, जिसे रेफलेसिया बोलते हैं, लगभग लगभग उस 40 किलो का होता है, वो 40 किलो से 45 किलो के आसपास होता है जो रेफलेसिया फूल होता है, ठीक ना। तो रेफलेसिया फूल में हम आपसे पूछते हैं कि बताइए रेफलेसिया फूल में परागण कैसे होता होगा, तो रेफलेसिया जो फूल होता है ना उसमें परागण कैसे होता है, तो रेफलेसिया में जो हाथी होती है ना, है देखिए मान लीजिए कि हई का है रेफलेसिया फूल है, हमारा हाथ में रेफलेसिया फूल है, हालांकि रेफलेसिया फूल नहीं है, हाथ है मेरा, ठीक ना, तो यदि हाथी आएगी, ठीक ना, और हाथी का जो सूंड होता है, सूंढवा का जो थुथुर होता है, वो थुथुरवा से ओकर रसवा चूस लेगी ओमे के में के रेफलेसिया फूल में के रस को क्या करेगी, चूस लेगी, और उसको क्या करेगी, ले जाके दूसरा फूलवा पर फेंकेगी। देखिएगा जहाँ पे हाथी ओकरा स्नान करती है तो सुड़वा में पानी खींच लेती है, फर से फेंकती है अपना पीछे, और उसी से क्या होता है, वो अपना स्नान कर लेती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उतना बड़ा पुष्प है, ठीक ना, तो उतना बड़ा पुष्प में परागण के लिए भी तो उतना बड़ा जीव जंतु चाहिए ना, आ कि एगो मच्छर जा करके परागण कर देगा, ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हाथी, हाथी क्या करती है, हाथी उसका परागण करती है, जो रेफलेसिया फूल होता है ना, जाके अपना थुथु से उसको रस चूस लेती है और दूसरा पे जाके फेंक देती है, इसका और इसका क्या हुआ, परागण संपन्न हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भूल से भी कोनो ई मत करना, देखिएगा परछावन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परछावन करते हैं पुष्पों का, ठीक ना, तो पुष्प का परछावन करते हैं, अगर मान लो कि रेफलेसिया पुष्प तो ओकरा के तो जेसीबी से उठा के फेंकना पड़े, 40 किलो का उठाएगा कौन, 40 किलो का पुष्प उठाएगा कौन, आ कहीं उठा करके फेंक रहा है जेसीबी से, आ कहीं मान लो कि दुल्हा के मुड़िए पर गिर गया, दुल्हा का तो मुड़ी कुचा जाएगा, ठीक ना, तो वो कह रहे हम लोग क्या होता भी नहीं है, जहाँ होता है उसको छोड़ दो, ठीक ना, वो बहुत दूर होता है, ठीक ना। तो हम लोग को बस मेथड समझना है, ठीक ना, ये जंतु समझ गए। तो यही सिर्फ नहीं है, जंतु और भी बहुत सारे परागण करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हो गया जल, तो कितने लोग जब जल का आता है ना, तो जल में तो बहुत सारे परागण होते हैं, तो हम पूछते हैं कि बताइए कि पुष्प जो होता है कमल का पुष्प होता है, तो कमल के पुष्प में कैसे परागण होता है,
तो कमल का पुष्प होता है ना भाई, कि तो कमल का पुष्प जो होता है, कमल के पुष्प में जो भांवरे होते हैं ना, भांवरों से ही परागण होता है। ये मत समझिएगा कि जो कमल का पुष्प होता है ना, ओकरा में पानी से परागण होता है, क्योंकि कमल के पुष्प तो पानी में ही होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं, जल परागण, तो जल परागण में क्या हो जाएगा, जल परागण में ऐसे बहुत सारे परागण होते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है, जल में एक कमल का पुष्प रहता है, और कमल के पुष्प में क्या होता है, कमल के पुष्प में भौंरों के द्वारा परागण होता है, भौंरे उसमें जाते हैं, बैठ जाते हैं और चारों ओर से ढक जाता है, और फिर ऐसे क्या करता है, छोड़ देता है, और फिर से क्या होता है, भौंरे जाकर के दूसरे बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, परागण उसमें संपन्न हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अब यहां तक तो जान गए, जल परागण तक तो जान गए, अब इसके बाद से जानते हैं कि देखिए हर चीज का कोई अपना लाभ और कुछ ना कुछ उसका हानि भी होता है, ठीक ना। जहां पे कुछ लाभ होता है वहीं पे कुछ ना कुछ हानि भी दिखाई देता है, और जहां पे कुछ ना कुछ हानि होता है वहीं पर कुछ ना कुछ लाभ भी दिखता है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं, अब देखेंगे कि स्व परागण जो होता है, कि स्व परागण से कौन सा लाभ होता है और पर परागण से कौन सा लाभ होता है। जहां पे ये लाभ पढ़ेंगे उसी जस्ट नीचे पढ़ेंगे स्व परागण से हानि भी पढ़ेंगे और स्व परागण से हानि भी पढ़ेंगे, यानी कि पर परागण से लाभ भी होता है और हानि भी होता है, स्व परागण से लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना लाभ हानि जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि शिक्षक कितना हो पढ़ा ले, ठीक ना, आ लड़का कितना हो ईमानदारी से पढ़ ले, ठीक ना, लेकिन वैकेंसी जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक कुछ ना होने वाला है, ठीक ना। अब एक बात समझिए कि वैकेंसी 2014 से पहले कितना वैकेंसी निकलता था, 2014 के बाद वैकेंसी निकलना ही बंद हो गया, अब जहाँ तहाँ छिटपुट आ रहा है, वो मैं सुन रहे हैं कहाँ दे परीक्षा हुआ, आ पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल, कितना लड़का का दिल टूटा, नहीं समझे। तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं मोदी जी, दो बार तो ट्यूटर ट्रेनिंग सब लड़का ने कर दिया, ठीक ना, और नीतीश बाबा कुंडली मार के बैठे हैं राज में, ठीक ना। तो आपसे एक बार, आप दोनों आदमी से एक बार फिर से हम लोग सभी शिक्षक हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप सब वैकेंसी निकालिए, सारा लड़का पढ़ते पढ़ते बेरोजगार आ बुढ़ाते जा रहा है। रुको जरा, सबर करो, कारी के भरती निकालिए मोदी चाचा डेरे लईका बाड़े, ठीक ना। अब आप नहीं वैकेंसी निकालिएगा तो कब निकालिएगा बताइए, जब सारा लड़का का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, बुढ़ा के मर जाएगा तब निकालिएगा, कब निकालिएगा, अब क्या बताया जाए बताइए ना, कि लड़का पढ़ पढ़ के सब बैठा हुआ है, जब तक आप वैकेंसी नहीं निकालिएगा तब तक वो लड़का पढ़ेगा कैसे। अब वैकेंसी निकालिए, सारा लड़का बेरोजगार हो रहा है, हाथ जोड़ करके आप सब सभी शिक्षक मांग करते हैं, क्योंकि शिक्षकों का अभी अस्तित्व आप ही सबके हाथ में छुपा हुआ है। अब लड़का क्या करेगा, नई वैकेंसी निकालिएगा, रास्ता चेंज करेगा, और बाद में बोलिएगा गुंडा बदमाश हो गया है। तो अब लड़का भी अपने अंतिम चरण सीमा पर है, ठीक ना, अब आप भी ज़्यादा मतलब कष्ट मत दीजिए बच्चों को, और इसीलिए मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, वैकेंसी निकालिए, नहीं तो लड़का सारा बुढ़ा के मर जाएगा। आप आके कबो देखिए पटना में जो बाजार समिति होता है ना, आ चलिए कबो दिल्ली में देखिए मुखर्जी नगर में, लड़का कैसे कैसे हो गया है सब। अब ना निकालिएगा वैकेंसी तो कब निकालिएगा, लड़का सब इतना ट्यूटर ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपके आँख में आपके सब POCO उन लोगों को क्या हुआ है जो वो सब चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर भी एक छोटा सा दुर्घटना हो जाता है, आते हैं बोलते हैं कि मित्रों मैं बड़ा ही दुख व्यक्त करता हूँ, इस सब चीज़ के लिए दुख व्यक्त कर दीजिएगा, आ लड़का सब बूढ़ा करके मर जाएगा, ओकरा के दुख व्यक्त नहीं कीजिएगा, कहाँ है आपका दिमाग। देखिए अभी भी सारा युवा आपका बहुत ही मतलब इज्जत करता है और बड़ा ही सम्मान करता है, लेकिन हर चीज़ का एगो सीमा होता है, ठीक ना। अभी जब सीमा पार होगा ना तो दो बार हो गया है, और तीसरा बार जब होगा ना, ये थर्ड वेव जब आ जाएगा तो कोरोना से खतरनाक होगा, ये बात समझ लीजिए।
ना तो वैकेंसी निकालिए ना तो अब दिक्कत है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं लाभ और हानि को। स्वपरागण जो होता है ना, स्वपरागण से क्या लाभ होता है? देखिए स्वपरागण से क्या लाभ होता है, जब एगो फूल है जी फूला गया, हेने से फूल निकल गया, हेने से फूल निकल गया और हेने से फूल निकल गया, ठीक ना, तो एकरा के परागण के लिए दूसरा ठाइन जाना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना, इंतजार करो हम आ रहे हैं ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, एकरे में से परागण निकल करके यही में चला जाएगा, हो जाएगा काम। अब मान लो कि एगो दिल्ली है एगो बनारस है, कैसे होगा काम, ठीक ना, ओकरा खातिर कोनो ना कोनो माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए हमको बताइए। वहीं से वही लेवल रहे कि एगो हेजी पुष्प है एगो हेजी पुष्प है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के परागकण को मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार की घड़ी समझते हैं ना बहुत मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें यही घाटा होता है, ठीक ना, और घाटा क्या होता है हम लोग आगे चलेंगे तो जानेंगे। और उसमें तो देखिए अब लाभ समझते हैं हम लोग, कहाँ चले गए हम, हेजी चले गए हैं। स्वपरागण से क्या करते हैं लाभ, इसमें परागण के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ठीक ना, एक एक पुष्प है एक एक पौधा है तो दूसरा पर कैसे निर्भर रहेगा, यही में से ही में नहीं हो जाएगा, इसका सबसे बड़का लाभ यही होता है, ठीक ना। लेकिन जहाँ पर बताए थे लाभ होता है वहीं पर हानि भी हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसमें रंग सुगंध मधु उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक ना। अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं तो हम किसी का मतलब ये क्यों करेंगे, इंतजार क्यों करेंगे, हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन नहीं है भैया तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए ये सेल्फ में क्या होता है, इसके पास रंग भी और सुगंध भी और मधु भी, इसके लिए किसी प्रकार का मतलब ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम चल जाते हैं, इसका जो स्वपरागण से लाभ है और वहीं पढ़ लिए स्वपरागण से हानि क्या होती है, कि इससे बने बीज कमजोर हल्के, बीजों की संख्या कम और अच्छी नस्ल के नहीं होते हैं, ठीक ना। हमने क्या बोला कि स्वपरागण से लाभ होता है, इसको दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, खुदे से कर लेता है, ये लाभ हुआ। और हानि क्या होता है, हानि होता है इसको, ये स्वपरागण से हानि होता है कि आप देखिए बिहार सब में जे भी बा, जब भी खेती होत हुई तो ध्यान से उमें देखल जाए कि गेहूं के बीज जन होला तो गेहूं के बीज क्या ओकरा के घरे वाला ना छीटल हटे, ओकरा के हाइब्रिड जन आवेला तो उन्हें के सब छीटल जाला खेत में, ठीक ना। कैसे हाइब्रिड ऊ रिसर्च बीज है तो ओकरे को में क्या कर खेत में छीटल जला। और ध्यान दीजिएगा कि घर वाला कौनो छीट दिया ना तो में से उसका जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है तो पातर पातर होता है, लुपुर झुपुर होता है, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छा नहीं जमेगा, और जब जमेगा ना तो में बीज जो पकड़ेगा ना ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ेगा, तनी तनी पकड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा पकड़ेगा। और अच्छा से हाइब्रिड के जैसे, अब देखिए कि पहले जो खेती होता था घर वाला घर खेतों में छीट देता था सब, तो तनी तनी होता था। अब आज देखिए कि हर साल बीया बदला जा रहा है, हर साल बीया बदला जा रहा है, तो उसमें फायदा क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बीजों का अंकुरण होता है और उच्च किस्म के और उच्च नस्ल के होते हैं। तो स्वपरागण से यही हानि होता है कि घर वाला ही बीज इस साल छीट दिए और उसमें से जो बीज निकला फिर अगला साल छीट दिए, फिर उसमें से वो जो निकला फिर अगला साल छीट दिए। देखिए होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक ना, ये इसका हानि होता है। तो जहाँ पे इसको लाभ मिला कि स्वयं से ही परागण कर लेता है, वहीं पे इसको हानि हुआ कि इसका जो बीज निकलता है पौधा निकलता है वो पतला होता है और बीजों की संख्या कम होती है और पौधा बड़ा ही कमजोर होता है, समझ गए। पर परागण से लाभ क्या होता है हमने इससे जान लिया, और इससे जानते हैं कि पर परागण से क्या लाभ होता है, इसमें उत्पन्न बीज संख्या में ज़्यादा भारी और अच्छी नस्ल के होते हैं, जो हर साल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गेहूं का बीज होता है, जो नया नया किस्म का आजकल हाइब्रिड बीज आ रहा है उसको छीटा जा रहा है, तो दोनों में अपने परागण करेगा तो उसका अच्छा नस्ल आएगा ही आएगा, ये तो 100% है। अब एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि स्वपरागण से हानि, तो स्वपरागण अच्छा इसको तो हम बता दिए हैं, एक बार सुन लीजिए कि पर परागण से क्या होता है लाभ, इसमें उत्पन्न बीज संख्या में अधिक होता है और अच्छी नस्ल के भी हो जाता है,
कैसे अच्छी अच्छी नस्ल का हो जाता है, कि क्रॉस रहता है, ठीक ना, वो क्रॉस रहता है। एक मान लीजिए अच्छा नस्ल का भी होगा, दूसरा अच्छा नस्ल का नहीं भी होगा, अगर इससे परागण इसमें करा दिया जाए तो उत्पन्न जो बीज होगा अच्छा नस्ल के हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाए देखिएगा, एक अगर खानदान का अगर कोई आदमी कामयाब हो जाता है ना, अगर पढ़ा लिखा हो जाए, कोई जॉब करने लगे ना, तो अगर आने वाला जो अगला पीढ़ी होता है ना, कोनो बेरोजगार नहीं होगा, ठीक ना, वो सब पढ़ा लिखा जॉबे करेगा, मतलब ऐसा जनरली देखा गया है। अब स्व परागण से हानि अभी बता दी है आप लोगों को, अब पर परागण से लाभ तो ये था कि बीज की संख्या बढ़ जाएगी उसमें, ठीक ना, और उत्पन्न बीज भारी भी होगा और अच्छी नस्ल का भी होगा, लेकिन उससे कुछ हानि होती है। हानि यही होता है कि पर परागण के लिए हमने बताया, पर परागण में क्या होता है, एक हेजी पुष्प है, एक हेजी पुष्प है, किसी न किसी माध्यम से, अगर मान लीजिए कि हेजी भौंरा बैठा है, भौंरा है पे बैठा है, और उसके बाद से उड़ के पी जाएगा, जैसे परागकण को चिपका के लेके हेमी जाएगा, तब नहीं कर परागण कर, एक और परागण होगा, निषेचन होगा, नहीं तो ऐसे कैसे संभव है। तो अगर इंतजार करते रहो, अगर मान लीजिए कि भंवरा ये नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए इसको जबरदस्ती अपने अंदर से क्या करना पड़ता है, कि अपन जो सुगंध होता है ओकरा खूब सुगंधित करना पड़ता है, जो दल पुंज होता है ना खूब सुगंधित बनाना पड़ता है, और इस एक और जो रंग होता है खूब चटकीला, मैंने चटक मटक क्या होता है, ये एक और फूल होता है, यही से होता है। तो मान लो कि हम बताए हैं कि भंवरा क्या होता है, भंवरा अट्रैक्ट होता है, फूल को देख करके भंवरा अट्रैक्ट होता है, ठीक ना, और परागण के लिए क्या करता है, उस पुष्प पे चला जाता है। तो वही बात है कि मान लीजिए कि पर परागण कराना है, तो इसको यही हानि होता है कि इसको इंतजार करना पड़ेगा कि कौनो भंवरा आएगा है जी, ठीक ना, हमारा के देखेगा कि हम बड़ा ही चटकीला है, ठीक ना, बड़ा ही मतलब रंग बिरंग का है। अब मान लीजिए कि वो एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक ना, ये कौनो रास्ता है, रास्ता पर कौनो चल रहा है, ठीक ना, अब कहने का मतलब क्या है, कौनो थोड़ा सा आकर्षण का केंद्र बनता है, ठीक ना, कि कौनो आकर्षण का केंद्र बना, कौन अच्छा चीज़ दिखाई दिया, ठीक ना, लोग गौर से उसको देखता है, ठीक ना, गौर से उसको देखता है, अब ना अच्छा नहीं है तो जनरली चलते जाता है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए पर परागण में जो पुष्प पर परागण करते हैं ना, उसको अपना रंग सुगंध, उसमें मधु मिठास और रंग को चटकीला, माने अनेक कलर का बनाना पड़ता है, एकरा से क्या करेगा भंवरा, ओकर भंवरा क्या करेगा, भंवरा इससे आकर्षित होगा और एकरा में से ले जाकर परागण एकरा में डाल देगा, पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक ना। तो वही बात होगा, ठीक ना, यहाँ से पर परागण कराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपना कलर अपना ये सब करना पड़ेगा, और उसके बावजूद इंतजार भी करना पड़ेगा, ठीक ना। एक चीज़ हम लिखे हैं कि चटकीला रंग हो जाता है करना पड़ता है, और देखिए चटकीला रंग करने के लिए, सुगंधित करने के लिए इसको ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में लगती है, ठीक ना। कोनो भी एक्स्ट्रा काम कीजिएगा, एक फूल नॉर्मल खिल रहा है कोनो दिक्कत नहीं है, अब मैं उसमें सुगंध भी भरना है, मिठास भी भरना है, उसका ओकर दल पुंज को रंगीन भी करना है, वो में एनर्जी ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऊर्जा लगेगा ना ज़्यादा। तो इसकी सबसे बड़ी हानि यही होती है, ठीक ना, कि इसको इंतजार भी करना पड़ता है, और इसमें सुगंध को भी और इसके कलर को भी ज़्यादा मात्रा में लाना पड़ता है, ठीक ना। तो यही बात होता है इसमें। तो चलिए, ये था हम लोग का परागण। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद से वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पर भी रहिए स्वस्थ रहिए, और इसके बाद से चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।